नमस्कार ओडिया एजुकेशन पॉइंट चैनल ले आपन समस्तंकु स्वागत। आज आम षष्ठ श्रेणी भूगोल बहीर सप्तम अध्याय भारतर अवस्थिति और प्राकृतिक विभाग ए विषयटीर अभ्यास कार्य आलोचना करवा। तो पिलामाने वीडियोटी को शेष पर्यंत देख आदि वीडियोटी भल लगे तेज निश्चित भाव में लाइक करदेव तुम सांग मैं सेयार करदेव आईभिया नुआ नुआ वीडियो देखापी आम चैनल को सब्सक्राइब करदेव। तेरे चलो वीडियोटी को आरंभ करवा। तो देख एक नंबर प्रश्न कही निम्नलिखित प्रश्नगुड़िकर संक्षिप्त उत्तर दि। क प्रश्न कही भारतर प्राकृतिक विभाग गुड़िकर नाम लेख। तो प्राकृतिक विभाग कौन कौन रही भारत में देख। तेरे भारत को चारिगोटी प्राकृतिक विभाग में विभक्त करथा उत्तरस्थ हिमालय पर्वतमाला उत्तर भारतर समतल भूमि दक्षिण भारतर मालभूमि उपकूलवर्ती समतल भूमि। तेरे यही चारिगोटी प्राकृतिक विभाग में भाग कर विभक्त करपर। ख प्रश्न कही देख भारतर सतटी देश सह स्थल सीमारेखा लग रही से गुड़िकर नाम कौन। तो देख यार उत्तर तेरे भारतर जो सतटी देश सह स्थल सीमारेखा लग रही से गुड़िकला चीन नेपाल भूटान म्यांमार बांग्लादेश पाकिस्तान और आफगानिस्तान। तेरे यही कौन सतटी देश सह आमर स्थल सीमारेखा लग रही। तापर देख गे कही भारतर क्यों मुख्य नदी दुईटी आरब सगर में पड़ी। तेरे भारतर मुख्य दुईटी क्यों नदी जो नदी गुड़िक कि आरब सगर में पड़ी। तेरे भारतर नर्मदा एवं ताप्ती ए मुख्य नदी दुई आरब सगर में पड़ी। तापर घर कही गंगा ब्रह्मपुत्र नदी दुईर त्रिकोण भूमि नाम कौन। तेरे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी दुईर त्रिकोण भूमि नाम हूँ कौन सुंदरवन त्रिकोण भूमि। तापर देख कही भारत में केतोटी राज्य और केन्द्र शासित अंचल रही। तेरे पाने भारत में केतोटी राज्य रही अठाईटी राज्य रही नौटी केन्द्र शासित अंचल। तो भारत में अठाईस गोटी राज्य और नौ गोटी केन्द्र शासित अंचल रही। च देख उत्तर भारत समतल अंचल अधिक जनसंख्यार कारण कौन। तेरे उत्तर भारतर जो समतल अंचल रही सेठी अधिक जनसंख्या रहिबार कारण कौन। ताहले ना देख यार उत्तर कौन हम जे उत्तर भारत समतल अंचल गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र और यार उपनदी गुड़िक द्वारा संचित पटुमाटी गठित होइथिबारु अधिक उर्वर और कृषि उपयोगी। तेरे उत्तर भारत समतल अंचल यही अंचलटी कौन ना गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र एवं यार उपनदी गुड़िक द्वारा जो संचित होता है जो पटुमाटी द्वारा गठित हो तेणु सेठिकार माटी अधिक उर्वर एवं कृषि उपयोगी माने कृषि भल हो। तो से अंचल घन जनबसती देखा जाए। तापर दुई नंबर प्रश्न कही ठीक उत्तर पाखे ठीक चिन्ह दि। तेरे हिमालय अंतर्गत दक्षिणतम पर्वत श्रेणीर नाम हिमालय अंतर्गत दक्षिणतम पर्वत श्रेणीर नाम। तो ऑप्शन दे शिवालिक हिमाद्री हिमाचल। तो कौटा हम आमर शिवालिक हम है शिवालिक। तापर ख कही सह्याद्रीर अन्य नाम कौन सह्याद्रीर अन्य नाम आरावली पश्चिम घाट पूर्व घाट। तो कौटा हम ना आमर पश्चिम घाट है पश्चिम घाट। तापर ग देख पक प्रणाली दुई पार्श्वरे थिबा देशर नाम। ताहले पक प्रणाली दुई पार्श्वरे क्यों देश रही श्रीलंका और मालदीप ना भारत श्रीलंका भारत और मालदीप। तबे कौटा हम ना भारत आउ श्रीलंका। तापर देख घ आरब सगर में अवस्थित भारतीय द्वीपर नाम। तबे कौन आंडामान और निकोबर द्वीप मालदीप लाक्षाद्वीप कौटा हम ना लाक्षाद्वीप है। तेरे आरब सगर में अवस्थित भारतीय द्वीपर नाम हूँ लाक्षाद्वीप। मुहरे कही भारतर सर्वपुरतन पर्वत श्रेणी कौटा ताल आरावली विंध्य सतपुरा कौटा ना आरावली आरावली भारतर सर्वपुरतन पर्वत श्रेणी। तीन नंबर प्रश्न देख शून्य स्थान पूरण कर कही कह देख
ଭାରତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପ୍ରାୟ ଡେସ୍ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ତେବେ ଭାରତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପ୍ରାୟ କେତେ ନା 3.28 ନିୟୁତ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ତାପରେ ଦେଖ ଖରେ କହିଛି ଯେ ଉଚ୍ଚ ହିମାଳୟର ଅନ୍ୟ ନାମ ଡେସ୍ ଉଚ୍ଚ ହିମାଳୟର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ହିମାଦ୍ରି ହେଲା ହିମାଦ୍ରି ତାପରେ ଦେଖ ଗରେ କହିଛି ଯେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଡେସ୍ ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ରାଜସ୍ଥାନ ତାପରେ ଘରେ କହିଛି ମହାନଦୀ ଡେସ୍ରେ ପଡ଼ିଛି ମହାନଦୀ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି ତାପରେ ମୁହଁରେ କହିଲା ଯେ ଭାରତର ମଧ୍ୟଭାଗ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଅକ୍ଷାଂଶ ଡେସ୍ ଅଟେ ତ କେଉଁ ଅକ୍ଷାଂଶ ଯାଇଛି ନା କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭାରତର ମଧ୍ୟଭାଗ ଦେଇ ଯାଇଛି ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଠି ଆମର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଆଲୋଚନା ସରିଲା ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବ ସେୟାର କରିବ ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହଁ ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ ତେବେ ରହୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଧନ୍ୟବାଦ।